हाय एवरीवन, वेलकम टू जीत क्लासेस। माय नेम इज जीत सरकार। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे द स्पेशलाइजेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है जिसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे कि किस तरीके से डीएनए की जो स्पेशलिटी होती है वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। जैसे कि जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो जो रेप्लिकेशन फोर्क बनता है वहां पर डीएनए किस तरीके से अपना स्पेशलिटी शो करता है उसके बारे में डिटेल से बात करना है। इससे पहले हम कुछ डीएनए की जो एक्टिविटीज होते हैं या डीएनए की जो स्ट्रक्चर होते हैं वो स्ट्रक्चर कितने नंबर से बना होता है या कितने नंबर से ओके कितना सब यूनिट का बना होता है और उनका फंक्शन क्या होता है, तो एक ओवरऑल हम डीएनए की स्टडी कर लेते हैं या डीएनए पॉलीमरेज की स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डिटेल से कि डीएनए की स्पेशलिटी क्या होती है। ओके, तो एक टेबल यहाँ पर, ये वाटसन का टेबल है, आप देख सकते हो वाटसन में इस तरीके का टेबल बना हुआ है। इसमें दिया हुआ है एक्टिविटीज एंड फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए की यहाँ पर एक्टिविटीज को देखेंगे और उसकी फंक्शन को यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से काम करता है। तो दो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर लिया हुआ है, एक है प्रोकैरियोट और दूसरा है यूकैरियोट। यदि हम प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पर 5 सब यूनिट का बना होता है ये। ओके, यानी कि अगर हम बात करें तो डीएनए जो प्रोकैरियोट होता है, डीएनए प्रोकैरियोट में 5 प्रकार के यहाँ पर क्या होता है, पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब यहाँ से हम अगर डीएनए पॉलीमरेज 1 की बात करेंगे तो एक ही सब यूनिट का बना होता है और ये आरएनए प्राइमर रिमूवल का काम करता है, डीएनए रिपेयर का काम भी करता है। ओके, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो उसमें जो प्राइमर बनता है प्राइमर को किस तरीके से रिमूव किया जाता है, ये सारी चीज हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर डीएनए का रिपेयर भी करता है और प्राइमर जो आरएनए प्राइमर होता है उसका रिमूवल भी करते हैं। अगर डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड की बात करें तो जो डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड है ये डीन ए के नाम से इसको जाना जाता है, एक ही सब यूनिट का बना होता है और ये भी डीएनए रिपेयर का काम करता है। उसके बाद हम यदि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यानी जो कोर एंजाइम होता है उसकी बात करें तो ये जो कोर एंजाइम होता है ये 3 सब यूनिट का बना होता है और एक क्रोमोसोम रेप्लिकेशन का काम करता है। इसी प्रकार से डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होलो एंजाइम, ये कंप्लीट एंजाइम होता है, एक होता है कोर एंजाइम और एक होता है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम में क्या करता है, क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन करता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जो फोर्थ होता है, डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ को हम डीन बी के नाम से जानता है जो क्या करता है, डीएनए का रिपेयर करता है और ये ट्रांसलेशन सिंथेसिस का काम करता है। ओके, जो जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीएलएस के नाम से जानते हैं। कभी फुर्सत से हम बात करेंगे ट्रांसलेशन सिंथेसिस क्या होता है, अभी आपको याद रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ जो होता है वो डीन बी जो होता है वो क्या करता है, टीएलएस का काम करता है। उसके बाद हम अगर बात करें डीएनए पॉलीमरेज फिफ्थ, जिसको हम UMUC के नाम से जानते हैं या UMUD2 के नाम से जानते हैं, वो भी क्या करता है, TLS का काम करता है। तो ये था प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, जिसमें कि नंबर ऑफ पॉलीमरेज कितना है, 5 है और सब यूनिट इस तरीके से दिखाया गया है। ओके, यहाँ से CSIR के क्वेश्चन में मैच ऑफ द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आता है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज होती है। ओके, उसके बाद अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोट में आप देख सकते हो पॉलीमरेज अल्फा, पॉलीमरेज बीटा, पॉलीमरेज गामा, पॉलीमरेज डेल्टा, एप्सिलॉन, थीटा। ओके, उसके बाद यहाँ पर ईटा, उसके बाद यहाँ पर लेमडा है, म्यू है, कप्पा है, नीटा है, टाओ है और रेबोवान है। इस तरीके से यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें काफी सारे डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, तो इसमें से आपको मेजर आपको डीएनए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, थीटा, उसके बाद आपको यहाँ पर कप्पा, नीटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए या इसको आपको याद करना चाहिए। तो अगर हम मेजर अगर बात करें यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, तो अल्फा कितने सब यूनिट का बना होता है, ये 4 सब यूनिट का बना होता है और इसका काम जो होता है प्राइमर सिंथेसिस का काम होता है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। जब हम डायग्राम में देखेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, जिसको हम प्राइमेज के नाम से जानते हैं, वो किस तरीके से काम करता है, जब हम डीएनए का पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां हमें अच्छे से समझ में आएगा। ओके, उसी तरीके से अगर हम डीएनए पॉलीमरेज बीटा की बात करें तो ये एक ही सब यूनिट का बना होता है
और ये क्या करता है, रिपेयर में काम करता है। कौन सा रिपेयर में काम करता है, बेस एक्साइजन रिपेयर। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज गामा की बात करेंगे, तो ये तीन सब यूनिट का बना होता है और ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर करता है। ओके, उसके बाद हम डेल्टा की बात करेंगे, तो दो से तीन सब यूनिट का बना होता है, लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस करता है ये। ओके, डेल्टा क्या का काम करता है, लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस का काम करता है। जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है और एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो डीएनए डेल्टा है वो क्या करता है, लैगिंग स्ट्रैंड में काम करता है। ओके, उसके बाद क्या क्या काम करता है, ये न्यूक्लियोटाइड एंड बेस एक्साइजन रिपेयर का काम भी करता है। उसके बाद अगर हम पॉलीमरेज यदि हम एप्सिलॉन की बात करें, तो एप्सिलॉन फोर सब यूनिट का बना होता है और लीडिंग स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस का काम करता है और न्यूक्लियोटाइड एंड बेस एक्साइजन का काम भी करता है। उसके बाद हम डीएनए पॉलीमरेज थीटा की बात करें, देखिए यहां से थीटा से लेकर के लास्ट जितने भी यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज है यूकैरियोटिक के केस में, सब एक ही सब यूनिट का बना होता है, सब में एक एक सब यूनिट होता है। उससे ऊपर आपको यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज बीटा एक होगा, उसके बाद तो इस तरीके से आपको एक आपके हिसाब से आप क्या करोगे, एक सेटिंग करके इसको क्या करोगे, याद रख सकते हो। ओके, थीटा का जो काम होता है, थीटा का काम क्या होता है, ये डीएनए रिपेयर एंड क्रॉसलिंग का काम करता है। उसके बाद ईटा का काम होता है, टीएलएस का काम होता है। उसके बाद अगर हम लैम्डा की बात करें, तो ये मियोसिस एसोसिएटेड डीएनए रिपेयर का काम करता है। अगर हम म्यू की बात करें, म्यू इंपॉर्टेंट होता है, म्यू से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो म्यू क्या करता है, ये सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन का काम करता है। उसका तो अगर कप्पा की बात करें, तो टीएलएस का काम करता है। नीटा भी क्या करता है, टीएलएस का काम करता है। उसके बाद जो टाव होता है वो भी टीएलएस का काम करता है, ये सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन में भी काम करता है। और रेब वन जो होता है वो क्या करता है, टीएलएस का काम करता है। तो ये था एक बेसिक इंफॉर्मेशन डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी और उसका सब यूनिट और कितने प्रकार का होता है और उसका फंक्शन, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज की जो स्पेशलिटी होती है वो किस तरीके से काम करता है। ओके, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्लाइडिंग क्लैम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, या प्रोटीन एंजाइम होता है, जो क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड होकर के डीएनए की प्रोसेसिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। यहाँ पर देखिए, स्लाइडिंग क्लैम ड्रामेटिकली इंक्रीज डीएनए पॉलीमरेज प्रोसेसिविटी। ओके, जो जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जो प्रोसेसिविटी होगी उनको क्या करेगा, इंक्रीज करने का काम करता है स्लाइडिंग क्लैम। तो आप यहाँ पर एक हिसाब से बोल सकते हो कि स्लाइडिंग क्लैम का रोल क्या होगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ। तो स्लाइडिंग क्लैम और डीएनए पॉलीमरेज जब एक साथ मिल जाएंगे, तो जो डीएनए की जो डीएनए की जो पॉलीमराइजेशन की जो कैपेसिटी है, या बोल सकते हो रेप्लिकेशन की जो स्पीड है, वो क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से बढ़ेगा, उस स्ट्रक्चर से हम देखते हैं, 1:2 हाई प्रोसेसिविटी। ओके, डीएनए क्या होता है, एक तो हाई प्रोसेसिविटी होती है, यानी कि अब एक बार डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ गया है, तो पूरे के पूरे कोशिश करता है कि पूरे के पूरे डीएनए को क्या करे, वो रेप्लिकेट कर दे। ओके, हाई प्रोसेसिविटी ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज एट दैट एक्ट एट रेप्लिकेशन पोर्ट इज देयर एसोसिएशन विद प्रोटीन्स कॉल्ड स्लाइडिंग डीएनए क्लैम। ओके, क्या होता है, जब डीएनए हाई प्रोसेसिविटी में काम करता है, तो उसके साथ क्या होता है, डीएनए स्लाइडिंग क्लैंप क्या करता है, जुड़ता है, और जिसके साथ ही वो अपना प्रोसेसिविटी को क्या करता है, तेजी से करने की कोशिश करता है। दिस प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल आइडेंटिकल सब यूनिट दैट असेंबल इन द शेप ऑफ डोनट। और ये जो प्रोटीन होता है, ये डोनट शेप के होते हैं। ओके, द होल, देखिए यहाँ पर हम स्लाइडिंग क्लैंप के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्लाइडिंग क्लैंप एक तो होता है डोनट शेप के होते हैं, दो नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो उसके बाद अगर हम स्लाइडिंग क्लैम की बात करें, तो स्लाइडिंग क्लैम की एक और इम्पॉर्टेंट रोल होती है, रोल क्या है, द होल इन द सेंटर ऑफ द क्लैम इज लार्ज इनफ फॉर एनसर्कल द डीएनए डबल हेलिक्स एंड लीव रूम फॉर अ लेयर ऑफ वन और टू वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन द डीएनए एंड प्रोटीन। ओके, अब देख सकते हो ये स्लाइडिंग क्लैम का स्ट्रक्चर है, जो कि बिल्कुल क्या होता है, रिंग शेप के होते हैं, और इसके बीच में क्या होता है, काफी होल होते हैं। ये होल का रीजन क्या है, एक तो ये वाटर मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में, यदि
पॉलीमरेज और डीएनए के बीच में यदि कोई भी वाटर मॉलिक्यूल होगा तो उसको रिलीज करने का काम करता है। और ये दूसरा काम क्या करता है, इसमें जो ये होल बना हुआ है ये क्या करता है, पूरे के पूरे डीएनए को एनसर्कल कर लेता है और ये स्लाइड करने का काम करता है डीएनए को, ओके, ताकि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो क्या करे, उसकी प्रोसेस, उसकी जो प्रोसेसिबिलिटी होती है बहुत अच्छे से हो सके। This protein allows the clamp protein to slide along the DNA without dissociation from it. Okay, तो जो sliding clamp होते हैं वो क्या होता है, DNA के साथ क्या होता है, वो associate रहता है और जब तक DNA का replication नहीं हो जाता वो तब तक क्या होता है, dissociated नहीं होता है, okay? Importantly, a sliding DNA clamp also bind tightly to DNA polymerase bound to the primer template junction. That resulting complex between the polymerase and the sliding clamp move efficiently along the DNA template during DNA synthesis. Okay, जब भी क्या होता है, जो sliding clamp होता है, वो DNA polymerase enzyme के साथ bind करता है, तो क्या करता है, efficiently क्या करता है, work करने की कोशिश करता है। इस structure में आप देख सकते हो, ये सबसे पहले अगर आप बात करें तो एक DNA इस तरीके से हम लिए है, अब जब DNA unbind हो गया है तो अब यहाँ पर क्या होगा, प्राइमर ऐड हो जाएगा। तो जो प्राइमर है, प्राइमर का सिंथेसिस कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, जिसको हम प्राइमेस के नाम से जानते हैं। अब प्राइमेस क्या काम करेगा, प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर आरएनए प्राइमर सिंथेसिस बाय प्राइमेस, प्राइमेस के थ्रू यहाँ पर क्या होगा, ये सेकेंड वाले लाइन पे आप देख सकते हो यहाँ पर आरएनए का फॉर्मेशन हो चुका है और यहाँ पर डीएनए, जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो कि यहाँ पर बाइंड हो चुका है, अब क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस बाय पॉलीमरेज अल्फा। अब डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के थ्रू यानी प्राइमेस के थ्रू क्या होगा, डीएनए का सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज को यहाँ पर प्राइमर मिलना शुरू हो जाएगा, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन, ओके, दोनों के दोनों यहाँ पर काम करेंगे, ओके। जैसे यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ जाएगा, उसके साथ स्लाइडिंग क्लैंप भी जुड़ जाएगा, और जैसे स्लाइडिंग क्लैंप जुड़ जाएगा वैसे ही क्या होगा, यहाँ से प्राइमेज हट जाएगा, प्राइमेज क्या होगा, रिमूव हो जाएगा और डीएनए पॉलीमरेज एफिशिएंटली क्या करेगा, जो स्लाइडिंग क्लैंप है उसके साथ एसोसिएट होकर के अपना काम करेगा, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पर लगातार क्या कर रहा है, जो स्लाइडिंग क्लैंप और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगातार काम करते जा रहा है जब तक कि नया जो न्यू ओकाजाकी फ्रैगमेंट या न्यू प्राइमर ना मिले, तब तक ये लगातार काम करते जा रहा है। उसके बाद अगर हम देखें डीएनए पॉलीमरेज और अगर स्लाइडिंग क्लैंप, तो स्लाइडिंग क्लैंप यदि अब्सेंट होगा और यदि स्लाइडिंग क्लैंप प्रेजेंट होगा तो उसका क्या रोल होने वाले या क्या इंपैक्ट पड़ने वाले है डीएनए रेप्लिकेशन में, ओके। तो यदि हम बात करें इन द एब्सेंस ऑफ स्लाइडिंग क्लैंप, यदि डीएनए स्लाइडिंग क्लैंप यदि एब्सेंस होगा, क्योंकि देखिए स्लाइडिंग क्लैंप एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रोटीन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये इसका होना बहुत जरूरी है। इसके नहीं होने से क्या क्या नुकसान और क्या फायदा हो सकता है इसके बारे में बात कर रहे हैं। यदि अब्सेंस होगा स्लाइडिंग क्लैंप, डीएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट एंड डिफ्यूज अवे फ्रॉम द टेम्पलेट डीएनए ऑन एवरेज वंस एवरी 20 to 100 बेस पेयर सिंथेसाइज। यदि स्लाइडिंग क्लैंप यहाँ पर अब्सेंट होगा तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डिसोसिएट हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा ये, ओके, होने की कोशिश करेगा। अप्रोक्सीमेटली कितना न्यूक्लियोटाइड को जोड़ पाएगा, वो 20 to 100 न्यूक्लियोटाइड जो बेस पेयर होता है उसको वो क्या कर पाएगा, सिंथेसाइज कर पाएगा, उससे ज्यादा वो नहीं कर पाएगा, ओके। और यदि इन द प्रेजेंस ऑफ स्लाइडिंग क्लैंप, अब यदि स्लाइडिंग क्लैंप प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज स्टिल डिसएंगेज इट्स एक्टिव साइट फ्रॉम द 3'OH एंड of the DNA frequently, but the association with the sliding clamp prevent the polymerase from diffusing away from the DNA. Okay, तो क्या क्या बोल रहे हैं, यदि presence होगा sliding clamp तब भी क्या होता है, देखिए एक तो DNA replication हो जाने के बाद polymerase को क्या करना है, remove तो होना ही होना है, लेकिन 20 to 100 nucleotide जब synthesis हो जाता है तो क्या होता है, DNA polymerase enzyme क्या करने की कोशिश करता है, remove होने की कोशिश करता है, लेकिन जो स्लाइडिंग क्लैंप होता है वो डीएनए को होल्ड करके रखता है ताकि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो 20 to 100 न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस करने के बाद अलग ना हो पाए। यही क्या होता है, क्लैंप लोडर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ओके।
By keeping the DNA polymerase is close proximity, okay, DNA polymerase एकदम close proximity होता है to the DNA, okay. The sliding clamp ensured that the DNA polymerase rapidly rewind. जब sliding clamp होता है, उसके तो क्या होता है, जो DNA polymerase होता है, देखिए एक तो DNA polymerase 20-100 nucleotide के बाद क्या होना चाहता है, वो अलग होना चाहता है, लेकिन जो क्लैंप लोडर है उसको क्या करता है, फिर से अगेन रीवाइंड करके रखता है ताकि वो अलग ना हो पाए. रैपिडली रीवाइंड द सेम प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन, यही क्या होता है, सेम यहाँ पर ही जो ये जो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन बना हुआ है वहां पर क्या करता है, उसको रीवाइंड करने का काम करता है, वास्टली इंक्रीजिंग द प्रोसेसिविटी ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज. और ये क्या करता है, उसको रीवाइंड करके रखता है और प्रोसेसिविटी को क्या करता है, वो इंक्रीज करता है. ओके, तो ये डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन, तो जिस भी डायरेक्शन में क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, स्लाइडिंग क्लैंप और डीएनए पॉलीमरेज में क्या करते जाएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन करते जाएगा. ओके, वंस एंड सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट हैज डायरेक्टेड सिंथेसिस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड, द डीएनए पॉलीमरेज मस्ट रिलीज from the complete double-stranded DNA and the sliding clamp act at a new primer template junction. Okay, जब भी यहाँ पर single-stranded DNA बनेगा, उसके बाद double-stranded DNA बनेगा, तो उसके बाद क्या होता है, DNA polymerase enzyme क्या करने की कोशिश करता है, release तो होना ही है DNA polymerase. Okay, लेकिन जो sliding clamp होता है, वो primer template junction पे अभी तक बना रहता है. Okay. This release is accomplished by a change in the affinity between the DNA polymerase and the sliding clamp. Okay, तो ये क्या क्या होता है, जब भी DNA polymerase यहाँ से release होने की कोशिश करता है, तो वो क्या करता है, एक affinity वहाँ पर जो change जो affinity होती है वो change हो जाता है, किसके किसके बीच में, एक तो DNA polymerase और एक sliding clamp, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, DNA के साथ bound रहता है. आप देख सकते हो यहाँ पर sliding clamp that depend on bound of DNA. डिपेंड करता है कि वो डीएनए के साथ बाइंड है कि नहीं है. डीएनए पॉलीमरेज बाउंड टू अ प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन हैज हाई एफिनिटी फॉर द क्लैंप. यदि डीएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो क्लैंप लोडर के साथ प्राइमर टेम्पलेट में यदि बाइंड होता है, तो उसकी जो एफिनिटी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, उसकी जो एफिनिटी होती है बहुत हाई होता है. इन कॉन्ट्रास्ट व्हेन डीएनए पॉलीमरेज रीचेज द एंड ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट, एग्जांपल एट द एंड ऑफ an Okazaki fragment, the presence of DNA, a single double stranded DNA in its active site result in a change in the conformation that reduce the polymerase affinity for the sliding clamp and the DNA. Okay, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब Okazaki जो fragment बनता है, Okazaki fragment बनता है, तो उसके बाद Okazaki fragment बनने के बाद जब जब एकदम लास्ट होने के करीब होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, उस टाइम क्या होता है, एक तो टेम्पलेट का मिलना मुश्किल हो जाता है, टेम्पलेट वहां पर प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन वहां पर मिलना मुश्किल हो जाता है. उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर एक कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है, और कन्फर्मेशनल चेंजेस के बाद क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिलीज होने की कोशिश करता है. ओके, When a polymerase complete the replication of strands of DNA, it is released from the sliding clamp so that it can act a new primer template junction. Okay, तो जब भी यहाँ पर DNA polymerase क्या करता है, complete करता है DNA replication को, उसके बाद जो new primer template junction होता है वो मिलना मुश्किल हो जाता है, या लगभग बंद हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिलीज हो जाता है. वंस रिलीज फ्रॉम डीएनए पॉलीमरेज, जब भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिलीज हो जाता है, तो स्लाइडिंग क्लैंप का रोल क्या होता है, स्लाइडिंग क्लैंप आर नॉट इमीडिएटली रिमूव फ्रॉम द डीएनए रेप्लिकेशन, इंस्टेड अदर प्रोटीन दैट फंक्शन एट द साइट ऑफ रिसेंट डीएनए सिंथेसिस इंटरैक्ट विद द क्लैंप प्रोटीन. ओके, तो यहाँ पर कुल मिला के बात में ये यहाँ पर समझ में आता है कि जब डीएनए का सिंथेसिस होता है तो डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड बनता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जब बनता है तो पॉलीमरेज काम करता है, उसके बाद जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है यानी कि जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, वहां से हट जाने की कोशिश करता है. ओके, लेकिन जो स्लाइडिंग क्लैंप होता है वो क्या करता है, इमीडिएटली यहां से क्या होता है, रिमूव नहीं होता है, और अदर जो प्रोटीन होते हैं उन प्रोटीन भी वहां पर काम करता है,
तो जब तक वो सारे प्रोटीन अपना पूरा काम नहीं कर ले तब तक क्या होता है, स्लाइडिंग क्लैंप यहाँ से नहीं हटता है। ओके, देखिए एक डायग्राम हम यहाँ पर देखते हैं कि स्लाइडिंग क्लैंप किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर देख सकते हो, स्लाइडिंग डीएनए क्लैंप इंक्रीज द प्रोसेसिबिलिटी ऑफ एसोसिएटेड डीएनए पॉलीमरेज। क्या करता है स्लाइडिंग क्लैंप जो होता है वो डीएनए की जो डीएनए पॉलीमरेज की जो एक्टिविटी है उनको क्या करता है, ये इंक्रीज करने का काम करता है। वही चीज जो हमने पढ़े है उसी चीज को हमें डायग्राम में देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं डायग्राम ए की यदि बात करते हैं तो द स्लाइडिंग डीएनए क्लैंप एनसर्कल द डीएनए एंड साइमल्टेनियसली बाइंड द डीएनए पॉलीमरेज। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए जब सिंगल स्टैंड में चेंज हो गया है, यहाँ सब सिंगल स्टैंड में चेंज हो गया है, उसके बाद प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ और प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन हुआ है। जैसे ही प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन मिला तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है, उसके डीएनए पॉलीमरेज के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लाइडिंग क्लैंप भी जुड़ा हुआ है। सेकेंड केस में हम देखते हैं द रिलेटिवली लो प्रोसेसिबिलिटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज लीड टू फ्रीक्वेंट रिलीज फ्रॉम द प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन बट द एसोसिएशन ऑफ द पॉलीमरेज विद द स्लाइडिंग क्लैंप प्रिवेंट डिफ्यूजन अवे फ्रॉम द डीएनए। अब सेकेंड वाला पोर्शन में जो चीज हमने पढ़े इससे पहले वो वाला चीज आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए जो बी वाला कंडीशन है यहाँ पर, बी क्या है, यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर काम कर रहा है, स्लाइडिंग क्लैंप भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब 20 से 100 न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस हो जाता है तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो रिमूव होने की कोशिश करता है। लेकिन थर्ड केस में ये है, थर्ड केस ये बता रहा है द एसोसिएशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज विद द स्लाइडिंग क्लैंप एनश्योर दैट द डीएनए पॉलीमरेज रिवाइंड द सेम प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन एंड रिज्यूम डीएनए सिंथेसिस। ओके, तो ये क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज को क्या करता है, वो रिवाइंड करने का काम करता है। कहां पर काम करने का, रिवाइंड करने का काम करता है, यहां पर प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन में, और आगे की तरफ क्या करता है, पॉलीमराइजेशन का काम करने का काम करता है। ओके, तो यहां से स्लाइडिंग क्लैंप डीएनए पॉलीमरेज को रिमूव नहीं होने देता है। ओके, जो डी कंडीशन है, डी कंडीशन में हम देखते हैं आफ्टर डीएनए पॉलीमरेज हैज कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ द टेम्पलेट द एब्सेंस ऑफ प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। ओके, जब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां पर पूरी तरीके से अपना काम कर लेंगे तब यहां पर क्या होगा, जो न्यू प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन है वो क्या नहीं मिलेगा यहां पर, और जब तक न्यू प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन नहीं मिलता है तब तक स्लाइडिंग क्लैंप और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपस में एसोसिएट रहेंगे। लेकिन जब यहाँ पर टेम्पलेट जंक्शन मिलना बंद हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिमूव हो जाएगा। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पर द एब्सेंस ऑफ अ प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन कॉज अ चेंज इन द डीएनए पॉलीमरेज दैट रिलीज इट फ्रॉम द स्लाइडिंग क्लैंप। अब ये स्लाइडिंग क्लैंप से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, लेकिन तब भी क्या होगा, स्लाइडिंग क्लैंप यहाँ पर जुड़ा रहेगा, स्लाइडिंग क्लैंप कभी भी इमीडिएटली यहाँ से रिमूव नहीं होता है। ओके, क्योंकि जो स्लाइडिंग क्लैंप होता है वो दूसरे प्रोटीन को भी क्या करता है, रिक्रूट करने का काम करता है। फाइनली जब सारा डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, स्लाइडिंग क्लैंप हट जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में बात करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का क्या रोल होता है, किस तरीके से कितने सब यूनिट का बना होता है, इससे पहले सब यूनिट को आप लोग देख चुके हो। अब इस स्ट्रक्चर में अब देखने की कोशिश करेंगे कि डीएनए के पास कितना सब यूनिट होता है और कितना कोर एंजाइम होता है और काम किस तरीके से करता है। तो डीएनए सिंथेसिस एट द रेप्लिकेशन फोर्क, जब रेप्लिकेशन फोर्क बनता है तो उस रेप्लिकेशन फोर्क में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किस तरीके से काम करता है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से बात करना है। एट द रेप्लिकेशन फोर्क द लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड आर सिंथेसाइज साइमल्टेनियसली। जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन फोर्क बनता है, और रेप्लिकेशन फोर्क बनता है तो यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड बनता है। ओके, दोनों स्ट्रैंड यहाँ पर बनता है। दिस हैज द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट इन द सेल ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, और ये जो आपका एक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी सिंगल स्टैंडर्ड यहाँ पर बनता है तो एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि वहां पर क्या होता है, एक लिमिटिंग हो जाता है।
लिमिटिंग की चीज का हो जाता है यहाँ पर, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए बनता है वो एक कम ही कम समय में क्या क्या करना होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन करना होता है। ऐसा क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि देखिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होता है, एक तो अनस्टेबल होता है, तो कोई भी न्यूक्लियस एंजाइम आके उस तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या कर सकता है, कट लगा सकता है। तो यदि वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कट लग जाएगा तो डीएनए में क्या हो जाएगा, म्यूटेशन कॉज हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस हैज द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ लिमिटिंग, मतलब यहाँ पर जो लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट इन द सेल ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही लिमिटिंग मतलब बहुत कम ही कम से कम समय में यहाँ पर क्या करना होगा, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना है उसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। When a single stranded DNA region of DNA is broken, okay? ये देख सकते हो आप, अगर single stranded DNA है तो उसके टूटने की चांसेस बहुत ज्यादा होता है। There is complete break in the chromosome that is much more difficult to repair than a single stranded break in a double stranded DNA region. ओके जब भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए का डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होता है तो वहां पर क्या होता है, वो जो कंडीशन होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, और यदि उसमें कोई ब्रेक हो जाता है तो उसको रिपेयर करना क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज ना हो इसीलिए क्या होता है, वहां पर जल्दी से जल्दी क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपना काम करके उसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। Moreover, repair of this type of lesion frequently lead to mutation of the DNA. Okay, तो ये यहाँ पर क्या होगा, यदि repair हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि repair नहीं होता तो वहाँ पर क्या होगा, mutation होने की chances रहता है। Thus, limiting the time DNA is single stranded is crucial. ये बहुत ही crucial होता है, single stranded DNA होता है, यदि इसमें कुछ भी problem होगा तो mutation cause होने का chances हो सकता है। To coordinate the replication of both DNA strand, multiple DNA polymerase function at the replication port. इसी वजह से वहाँ पर क्या होता है, DNA जो polymerase enzyme होता है, उसके पास multi protein complexes होता है, वो क्या करता है, चारों तरीके से क्या करता है, DNA जो single stranded DNA होती है, उनके साथ bind हो जाता है, और क्या करता है, replication port के साथ bind हो जाता है, और DNA को क्या करता है, proceed करने का काम करता है। ओके तो आप देख सकते हो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके पास तीन तीन क्या होता है, टाउ सब यूनिट होता है, ये टाउ प्रोटीन होता है जिसके साथ क्या होता है, डीएनए कोर एंजाइम या डीएनए कोर होलो एंजाइम इसको बोलोगे। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है ये है होलो एंजाइम, और यदि आप डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कोर एंजाइम की बात करोगे तो ये कोर वन कोर टू कोर थर्ड, इस तरीके से ये तीन सब यूनिट के साथ, और जो टाव प्रोटीन होता है टाव प्रोटीन के साथ तीन तीन कोर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर जुड़े रहेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर दो क्या होता है, स्लाइडिंग क्लैंप लोडर होता है, और ये क्लैंप लोडर क्या करता है, स्लाइडिंग क्लैंप को लोड करने का काम करता है। तो ये था ओवरऑल डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर, अब ये किस तरीके से काम करता है उसके बारे में हमें डिटेल से बात करना है। ओके देखिए इन ई कोली कोऑर्डिनेटेड एक्शन का मतलब होता है जो डीएनए होलो एंजाइम अब किस तरीके से काम करता है, उस जो होलो एंजाइम है उसमें टाउ सब यूनिट भी है, उसमें क्लैंप लोडर भी है, उसमें क्लैंप लोडर भी है, उसमें क्लैंप लोडर भी है, क्लैंप प्रोटीन भी है, उसके बाद कोर प्रोटीन भी है। तो ये सारा चीज मिलकर के क्या करेगा, एक कंप्लीट कोऑर्डिनेटेड एक्शन की तरह यहाँ पर काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इन इक्वली द कोऑर्डिनेटेड एक्शन, ओके क्योंकि जब तक ये सारा चीज एक साथ नहीं मिलेंगे तब तक कोई एक्शन नहीं हो सकता है। द कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ दीज पॉलीमरेज इज फैसिलिटेटेड बाय फिजिकली लिंकिंग, फिजिकली क्या होता है, एक दूसरे के साथ लिंक रहता है, देम टुगेदर इन अ लार्ज मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होलो एंजाइम। इसी कोऑर्डिनेटेड एक्शन या कोऑर्डिनेटेड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं। होलो एंजाइम इज अ जनरल नेम फॉर अ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स in which a core enzyme activity is associated with additional component that enhance function. ये जो core complex होता है, ये जो core protein होते हैं, ये क्या करता है, additional function या कि क्या करता है, associate करने का काम करता है सभी protein को, और क्या करता है, ये enhance करता है DNA replication को। The DNA polymerase third holo enzyme induce three copies of the जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होलो एंजाइम होता है
तीन उसमें तीन कोर प्रोटीन होता है। ओके, इससे पहले स्ट्रक्चर में आप देखे हो, यहाँ पर ये देख सकते हैं इसमें तीन क्या है, यहाँ पर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड, तीनों के तीनों क्या है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कोर प्रोटीन यहाँ पर होता है। ओके, वही चीज यहाँ पर बताया गया है, कोर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम एंड वन कॉपी ऑफ द फाइव सब यूनिट स्लाइडिंग क्लैंप लोडर। ओके, और प्रत्येक के पास क्या होते हैं, पांच पांच कॉपी होती है, पांच सब यूनिट होती है स्लाइडिंग क्लैंप लोडर के पास। Although present in only one copy of the whole enzyme, the sliding clamp loader include three copies of tau protein, each of which bind one DNA polymerase core enzyme. Okay, सारा चीज हम इस स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये जो tau subunit होता है, इसमें तीन tau protein होता है और ये flexible linker की तरह काम करता है, यानी कि ये movement करता है, जो tau protein होता है ये movement का काम करता है, क्योंकि जब कभी भी DNA का replication होता है, जो replication fork बनता है उसमें काफी स्पेस होता है, और उस स्पेस को मेंटेन करने के लिए जो टाओ प्रोटीन होता है ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट करता है, ताकि डीएनए को आसानी से क्या कर सके, वो एक्सटेंड करने का काम कर सके। ओके, ये जो टाओ प्रोटीन होता है इसके साथ तीन पॉलीमरेज कोर प्रोटीन जुड़ा रहता है। अ मॉडल दैट एक्सप्लेन दिस कपलिंग प्रोसेस दैट द रेप्लिकेशन मशीनरी एक्सप्लॉइट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डीएनए एंड द टाओ प्रोटीन। जो टाओ प्रोटीन क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी का काम करता है, और पूरे के पूरे कपलिंग प्रोसेस को या कपल्ड प्रोसेस को क्या करता है, प्रोसीड करने का काम करता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज की जो मैकेनिज्म होता है वो किस तरीके से होता है, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसके पास पांच पांच सब यूनिट होता है, और ये तीन तीन कोर प्रोटीन या कोर तीन तीन कोर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होते हैं, कोई एंजाइम होते हैं, वो सारे के सारे किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में डिटेल से बात करना है। ओके, यहाँ पर देखिए स्टेप, यहाँ पर चार पांच स्टेप में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का जो फंक्शन है उसको हमें समझना है। तो एक एक फंक्शन को हम समझते हैं और एक एक डायग्राम को हम अलग अलग तरीके से समझते हैं। ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, इस रेप्लिकेशन को हम ट्रॉम्बोन मॉडल के नाम से जानते हैं। ओके, ट्रॉम्बोन मॉडल कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, अब नेक्स्ट टाइम आने की पॉसिबिलिटीज भी होती है। तो ट्रॉम्बोन मॉडल क्या है उसके बारे में डिटेल से बात करना है। ट्रॉम्बोन मॉडल फॉर कोऑर्डिनेटिंग रेप्लिकेशन बाय टू डीएनए पॉलीमरेज एट द ई कोली रेप्लिकेशन कोर। ओके, जो ट्रॉम्बोन मॉडल है, जब रेप्लिकेशन होता है तो किस तरीके से ये कोऑर्डिनेटेड मैनर पे काम करता है रेप्लिकेशन कोर में। ओके, उस कोऑर्डिनेटेड मैनर को हमें यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम ए की बात करते हैं। यदि हम डायग्राम ए को देखें यहाँ पर, तो डायग्राम ए इस तरीके से होता है कुछ। ओके, अब इस डायग्राम को देखिए और यहाँ पर हम फर्स्ट वाला पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं। द डीएनए हेलिकेज एट द ई कोली द डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क ट्रैवल वन द लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट इन अ फाइव डायरेक्शन टू थ्री डायरेक्शन। ओके, तो ये क्या होता है, सबसे पहले ई कोली में जो रेप्लिकेशन फोर्क बनता है वो ट्रैवल करता है। अगर हम लैगिंग स्ट्रैंड की बात करें, देखिए जो ट्रॉम्बोन मॉडल होता है वो मोस्टली लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में ही हमें यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन करना है, क्योंकि लीडिंग स्ट्रैंड में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होता है कि अब प्राइमर की जरूरत पड़ती है, और एक प्राइमर को पकड़ करके डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो कंटिन्यूअसली क्या करता है, डीएनए का फॉर्मेशन करता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, लैगिंग स्ट्रैंड में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, मल्टीपल प्राइमर के रिक्रूटमेंट होता है, और मल्टीपल प्राइमर को जोड़ने के लिए मल्टीपल फंक्शन भी करना पड़ता है। इसीलिए जो ट्रॉम्बोन मॉडल होता है वो मोस्टली आपका जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसके बारे में ही बताया गया है। ओके, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है द डीएनए हेलिकेज एट द ई कोली डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क ट्रैवल वन द लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट इन अ 5-3- ओके डायरेक्शन। तो जब भी लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा या लीडिंग का होगा, हमेशा डीएनए का फॉर्मेशन क्या होगा, 5-3 डायरेक्शन में ही होगा। द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होलो एंजाइम इंटरैक्ट विद द डीएनए हेलिकेज। जो डीएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम होता है वो किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, हेलिकेज एंजाइम के साथ इंटरैक्ट करेगा, क्योंकि हेलिकेज का काम क्या होगा, डीएनए को अनवाइंड करना, और जब डीएनए अनवाइंड होगा तो क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होगा, और जब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्ट होगा तभी क्या करेगा, होलो एंजाइम अपना काम कर पाएंगे। डीएनए हेलिकेज थ्रू द टाओ सबयूनिट के साथ इंटरैक्ट करता है, विच ऑल्सो बाइंड द डीएनए
पॉलीमरेज थर्ड कोर प्रोटीन, एक तो डीएनए होलोएंसाइम की बात कर रहे हैं जो कंप्लीट है कोऑर्डिनेटेड मैनर पे, और दूसरा बात हम कर रहे हैं यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज कोर प्रोटीन के बारे में। ओके, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कोर प्रोटीन, वन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कोर इज रेप्लिकेटिंग द लीडिंग स्ट्रैंड व्हाइल द अनदर टू, देखिए यहाँ पर तीन, इससे पहले स्ट्रक्चर में ये तीनों के तीनों कोर प्रोटीन एक साथ काम करते हैं। किस तरीके से काम करते हैं यही ट्रॉम्बर मॉडल में समझाया गया है। आप हमेशा देख ध्यान में रखिए, इससे पहले आप जब पढ़े हो तो आपको लगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, तो एक ही एंजाइम आएगा, तो एक ही होलो एंजाइम किस तरीके से काम करता है। अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि डीएनए होलो एंजाइम कंप्लीटली काम करता है, लेकिन होलो एंजाइम अलग काम करेगा और जो कोर प्रोटीन होता है वो अलग काम करेगा, यही आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो तीन यहाँ पर पॉलीमरेज थर्ड कोर प्रोटीन काम करता है, एक पॉलीमरेज प्रोटीन काम नहीं करने वाले है। ओके, तो इससे पहले यदि आप गलत फहमी में थे तो उसको आप सुधार लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन कोर प्रोटीन काम करने वाले हैं। ओके, पहले स्टेप में हम क्या पढ़े हैं अभी तक, यहाँ तक पढ़े हैं तो एक जो कोर प्रोटीन होता है वो रेप्लिकेटिंग करेगा लीडिंग स्ट्रैंड को, और दूसरा जो हमारा और जो दो और बचा हुआ जो डीएनए पॉलीमरेज, देखिए या द अदर टू डीएनए पॉलीमरेज कोर थर्ड कोर एंजाइम आर डेडिकेटेड टू रेप्लिकेशन इन द लैगिंग स्ट्रैंड एंड द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन कोट द एसएसबी यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रीजन ऑफ द डीएनए फॉर सिंपलिसिटी एसएसबी वन द लैगिंग स्ट्रैंड आर ओनली शोन इन द पार्ट ए। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हो आप इस डायग्राम को, देखिए ए वाला जो डायग्राम है उसको हम इस तरीके से, सबसे पहले जबकि डीएनए का ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, उसके साथ हेलिकेज बाइंड है, हेलिकेज क्या करेगा डीएनए को अनवाइंड करना शुरू हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए अनवाइंड होना शुरू हो जाएगा तो अब देख सकते हो ये सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो जैसे ही डीएनए सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाएगा तो लैगिंग स्ट्रैंड में कुछ इस तरीके से जो डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पुल्ड आउट हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा तो उसमें क्या होगा एसएसबी प्रोटीन यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या होगा इसके ऊपर जुड़ जाएगा, ताकि जो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको कोई न्यूक्लियस एंजाइम क्या ना कर सके, कट ना कर सके। ओके, इसलिए यहाँ पर एसएसबी बाउंड हो जाएगा, दोनों के दोनों एंड में स्ट्रैंड में यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंड हो चुका है। उसके बाद ये जो आपका डीएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम है वो होलो एंजाइम क्या कर रहा है एक कोऑर्डिनेटेड मैनर पे तीनों के तीनों यहाँ पर देख सकते हो आप तीन कोर प्रोटीन यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कोर प्रोटीन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ओके, तो यहां तक समझ में आया बात आपको। ओके, उसके बाद इसके ये देखिए इससे पहले हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखे है, ये स्लाइडिंग क्लैंप है और इसके साथ ये स्लाइडिंग क्लैंप लोडर बना हुआ है, टाउ प्रोटीन भी यहाँ पर लगा हुआ है। ओके, और ये जो है यहाँ पर एक जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो जो दो स्ट्रैंड बनेगा तो उसमें से एक बनेगा लीडिंग स्ट्रैंड, तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है, और जो नीचे वाला जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है वो क्या है लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए है। ओके, जो लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए के साथ क्या करेगा एक पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा। ओके, उसी तरीके से जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसमें भी क्या होगा पॉलीमरेज एंजाइम अपना काम करेगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर कहाँ पर है ओकाजाकी फ्रैगमेंट में है, यानी कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जो लीडिंग स्ट्रैंड में लीडिंग स्ट्रैंड है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है उसमें एक ही प्राइमर की जरूरत पड़ती है और एक ही प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिकॉग्नाइज करके पूरे के पूरे स्ट्रैंड को क्या करता है वो लीड करता है और यहाँ पर कंटिन्यूसली क्या करता है डीएनए का सिंथेसिस करता है। लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसमें क्या होता है मल्टीपल प्राइमर की रिक्रूटमेंट करना पड़ता है, इसीलिए तीन कोर प्रोटीन यहाँ पर तीन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कोर प्रोटीन यहाँ पर काम करता है। देखिए एक तो हो गया ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड फर्स्ट, और जो दो बचा हुआ है वो दो क्या करेगा लैगिंग स्ट्रैंड में काम करेगा, क्योंकि देखिए डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होगा यदि एक ही टाइम पे दोनों स्ट्रैंड को फॉर्मेशन करना है, ऐसा तो नहीं है कि एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन, जैसे लीडिंग स्ट्रैंड की बात करें तो अगर लीडिंग स्ट्रैंड मान के चलिए कि एक घंटे में डीएनए का फॉर्मेशन होना है तो जो आपका 60 मिनट में लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो चुका है और अभी आधा घंटा और डेढ़ घंटा लग रहा है लैगिंग स्ट्रैंड को, ऐसा तो नहीं होगा।
तो ये चीज को क्या करेगा, क्या क्या करना है यहाँ पर, मैनेज करना है दोनों के दोनों एंड को एक ही घंटे में ही क्या होगा, रेप्लिकेशन करना होगा। ओके, तो ये जो क्योंकि एक हो रहा है कंटिन्यूअस मैनर में और एक हो रहा है डिसकंटिन्यूअस मैनर में, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यदि कंटिन्यूअस हो रहा है तो वो तो एक घंटे पूरा हो जाएगा, लेकिन जो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है वो तो दो घंटे लगना चाहिए उसमें, यही हमारे मन में क्वेश्चन आता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस चीज से बचने के लिए यहाँ पर तीन तीन एंजाइम काम कर रहा है, तीन तीन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड फोर्थ प्रोटीन यहाँ पर काम कर रहा है, ताकि जो टाइम है इस एक ही टाइम पे क्या होगा, दोनों के दोनों स्ट्रैंड को रेप्लिकेशन होना है। ओके, तो सबसे पहला जो स्ट्रैंड है उसमें दो स्ट्रैंड बने, लीडिंग और दूसरा है लैगिंग स्ट्रैंड। अब लीडिंग स्ट्रैंड में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड हो चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना काम पूरा करेगा। अब जब लैगिंग स्ट्रैंड की बात करते हैं तो उसमें मल्टीपल प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। ओके, ये फर्स्ट वाला डायग्राम समझ में आया। सेकंड वाला डायग्राम हम देखते हैं यहाँ पर, सेकंड वाला डायग्राम है, सेकंड वाला डायग्राम क्या बताता है, पीरियोडिकली डीएनए प्राइमेज एसोसिएटेड। अब यहाँ पर क्या होगा, डीएनए प्राइमेज एसोसिएट हो जाएगा विद द डीएनए हेलिकेज एंड सिंथेसाइज द न्यू आरएनए प्राइमर ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट। अब सेकंड वाला जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हो में क्या होगा, ये जो प्राइमेज एंजाइम है, प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा, आरएनए प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि लीडिंग स्ट्रैंड में एक बार मिल चुका है, उसको और जरूरत नहीं है। अब जितने भी प्राइमर की जरूरत पड़ेगी वो लैगिंग स्ट्रैंड को ही पड़ने वाली है। तो यहाँ पर प्राइमेज क्या करेगा, प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा, और जैसे ही प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा तो लैगिंग स्ट्रैंड पॉलीमरेज कंटिन्यूअसली होगा जाके फ्रेगमेंट। अब क्या करेगा, जो लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होगा, कंटिन्यूअसली प्राइमर बनते जाएगा, और प्राइमर जैसे जैसे बनते जाएगा तो यहाँ पर ओका जाके फ्रेगमेंट भी कंटिन्यूअसली बनते जाएगा। सेकेंड वाला डायग्राम ये बताता है। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड वाले डायग्राम की। इमीडिएटली आफ्टर अ न्यू प्राइमर, ओके, इमीडिएटली आफ्टर अ न्यू आरएनए प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड, द स्लाइडिंग डीएनए क्लैंप लोडर assemble a sliding DNA clamp at the resulting primer template junction। third वाले diagram में अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा sliding clamp loader है, अब वो क्या होगा, sliding clamp loader के साथ जुड़ जाएगा, और जैसे ही sliding clamp loader के साथ जुड़ जाएगा तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, sliding clamp is loaded onto the newly primer lagging strand। जो भी यहाँ पर प्राइमर बन चुका है उस प्राइमर के साथ क्या होगा, जो स्लाइडिंग क्लैंप है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, ताकि वो क्या कर सके, इस जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्या कर सके, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, और दूसरी बात यह है कि जो स्लाइडिंग क्लैंप लोडर है, स्लाइडिंग क्लैंप प्रोटीन है, वो क्या कर सके, डीएनए पॉलीमरेज जो कोर, जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो कोर प्रोटीन है उसको भी रिक्रूट कराए। तो स्लाइडिंग क्लैंप का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे ही यहाँ पर प्राइमर बन जाता है, स्लाइडिंग क्लैंप लोडर स्लाइडिंग क्लैंप को लोड करता है, और जैसे ही स्लाइडिंग क्लैंप लोडर प्राइमर के साथ जुड़ जाता है, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, जो कोर प्रोटीन है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कोर प्रोटीन, वो इस स्लाइडिंग क्लैंप के साथ जुड़ जाएगा और नया और डीएनए का पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर प्राइमर बन जाएगा, वैसे क्या होगा, प्राइमेज रिमूव हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा सी वाला डायग्राम। उसके बाद हम डी डायग्राम को देखते हैं क्या है। डी में ये बताया जा रहा है, द अनइंगेज द सेकंड लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज रैपिडली रिकॉग्नाइज। ओके, जो लैगिंग स्ट्रैंड के जो सेकंड जो हमारा यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो रैपिडली क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, किसको रिकॉग्नाइज करेगा, द लोडिंग स्लाइडिंग डीएनए क्लैंप एट द प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन एंड इनिशिएशन अ न्यू ओका जाकी फ्रैगमेंट। ओके, इस तरीके से आप डी वाले में देखिए, डी वाला डायग्राम हमें ये बता रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, the second lagging strand DNA polymerase bind the sliding clamp at the primer template junction and begins to synthesize a new OCA jaki fragment। पहले एक DNA bind, एक core protein bind था, तो एक ही OCA jaki fragment बन रहा था। अब जब second primer मिल चुका है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर second OCA jaki fragment बनेगा। ओके, और उसके साथ क्या होगा, sliding clamp और यहाँ पर core protein यहाँ पर जुड़ चुका होगा। ओके, इस तरीके से ये आप इस डायग्राम में देख रहे हो। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला डायग्राम है, जो ई डायग्राम है, उस ई डायग्राम में हम देखते हैं, व्हेन द फर्स्ट लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज रीच द एंड ऑफ द ओका जाकी स्ट्रैंड टेम्पलेट। जब फर्स्ट वाला जो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड बना था, फर्स्ट वाला जो पॉलीमरेज एंजाइम था, वो जब लास्ट वाला ओका जाकी फ्रैगमेंट, ओके,
रीचेस द एंड ऑफ द ओकाजाकी फ्रेगमेंट, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, देखते हैं आगे देखते हैं, इट इज रिलीज फ्रॉम इट्स स्लाइडिंग क्लैम्प. दिस फर्स्ट लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज इज नाउ रेडी टू रिकॉग्नाइज द नेक्स्ट आरएनए प्राइमर. A sliding clamp that assemble on the lagging strand template. Thus, this model envision two lagging strand DNA polymerase alternately initiating synthesis of the new Okazaki fragment. ये बहुत important line है, इस diagram से हमें समझ में आएगा. Okay, जब क्या होगा, जो Okazaki fragment देखिए, first Okazaki fragment यहाँ पर बना है, आप यहाँ पर देख सकते हो, the first lagging strand DNA polymerase is released. First आप जब यहाँ पर first DNA polymerase enzyme first lagging first primer के साथ जुड़ा हुआ था, अब वो क्या हो जाएगा, वहाँ जब primer template junction मिला है, जो primer template junction के जब end हो जाएगा, तो अब end होने के पहले ही दूसरा primer यहाँ पर अब आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड क्या होगा, पॉलीमरेज एंजाइम रिलीज फ्रॉम द डीएनए एंड द स्लाइडिंग क्लैंप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ओकाजाकी फ्रैगमेंट. ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, जब फर्स्ट वाला ओकाजाकी फ्रैगमेंट यहाँ पर बनके कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद अब दूसरा ओकाजाकी फ्रैगमेंट यहाँ पर शुरू हो गया है. ओके, तो अब ये जो दो पॉलीमरेज एंजाइम एक साथ काम कर रहा है, उसका काम क्या है, देखिए फर्स्ट में जो जुड़ा था, अब वो क्या करेगा, जब एक प्राइमर का काम खत्म हो जाएगा तो उसको छोड़ देगा, अब उसको जब छोड़ देगा तो ये फर्स्ट जो है वो थर्ड प्राइमर के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइमर है कंटिन्यूअसली रिक्रूटमेंट होते जा रहा है, तो फर्स्ट कंप्लीट हुआ, जो फर्स्ट किसके साथ जुड़ जाएगा, थर्ड प्राइमर के साथ, और जो सेकेंड वाला पॉलीमरेज था वो जब उसका जब कंप्लीट हो जाएगा तो फोर्थ प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन के साथ वो रिक्रूटमेंट हो जाएगा. तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस मैनर पे जितना टाइम लीडिंग स्ट्रैंड में लग रहा है उतना ही टाइम यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड में भी लग रहा है, और दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड है, दोनों के दोनों स्ट्रैंड में एक ही टाइम पे क्या हो रहा है, डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है. ओके, यही लिखा गया यहाँ पर. ठीक है, एक बार इस पॉइंट को हम और पढ़ लेते हैं, देखिए क्या लिखा गया है, पॉइंट को एक बार और पढ़ लेते हैं, जो ई वाला डायग्राम है. When the first lagging strand DNA polymerase reaches the end of the Okazaki fragment, okay, Okazaki strand template, जब first वाला जो हमारा DNA polymerase है, जब Okazaki fragment के अंत तक आ जाता है, it is released from the sliding clamp. अब वो sliding clamp से क्या हो जाता है, हट जाता है. This first lagging strand DNA polymerase is now ready to recognize next RNA primer sliding clamp that assemble on the lagging strand template. अब क्या करता है, जो फर्स्ट वालों को छोड़ करके अब जो नया आरएनए प्राइमर बन चुका है उसके साथ क्या करता है, वो असेंबल हो जाता है और वो नया लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट के साथ बाइंड हो जाता है. थस दिस मॉडल एनविजन टू लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज अल्टरनेटली इनिशिएटिंग सिंथेसिस ऑफ न्यू ओकाजाकी फ्रैगमेंट. क्या करता है ये, अल्टरनेटली मतलब एक के बाद एक, जो फर्स्ट है वो अब थर्ड प्राइमर के साथ जुड़ेगा और जो सेकंड है वो फोर्थ के साथ जुड़ेगा. इस तरीके से अल्टरनेटिवली मैनर पे क्या करेगा, ये एक के बाद एक काम करेगा और दोनों के दोनों डीएनए स्ट्रैंड को क्या करेगा, एक ही साथ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक ही साथ क्या करेगा, डीएनए पॉलीमराइजेशन कराएगा और डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट कराएगा. तो ये था ट्रॉम्बन मॉडल की डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है, और इसमें मतलब खास करके हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा जो लैगिंग स्ट्रैंड में जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनता है वो किस तरीके से बनता है. आप देख रहे हो ना यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है काफी फैला हुआ है, तो इसको किस तरीके से मैनेज करना है, तो मैनेज करने का काम क्या कौन करता है, दो पॉलीमरेज एंजाइम लैगिंग स्ट्रैंड में काम कर रहा है तभी जाकर ये मैनेज हो रहा है, और एक ही जो हमारा कोर एंजाइम या कोर प्रोटीन होता है वो क्या कर रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड में काम कर रहा है. इस तरीके से ये था हमारा ट्रॉम्बन मॉडल, इस मॉडल को आपको ध्यान में रखना चाहिए. ओके, अब हम बात करेंगे कुछ इंटरैक्शन की. ओके, क्योंकि ये जो हमारा जो जो रेप्लिकेशन हो रहा है, जो लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है, इतने सारे प्रोटीन एक साथ काम कर रहा है, तो उस प्रोटीन का काम क्या है, कितने समय तक उसको होल्ड करके रखना चाहिए ताकि डीएनए का रेप्लिकेशन अच्छे से हो जाए, तो ये कुछ क्योंकि यहाँ पर सारे तो प्रोटीन का काम है, प्रोटीन इंटरेक्शन हो रहा है तभी क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है.
तो ये जो इंटरेक्शन है इस इंटरेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है और ये इंटरेक्शन क्यों जरूरी है इसको ध्यान में रखना जरूरी है, इसके साथ इसका इंटरेक्शन जरूरी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इंटरेक्शन बिटवीन द रेप्लिकेशन फॉर प्रोटीन फ्रॉम द ई कोली रेप्लिसोम। ओके, रेप्लिसोम किसको कहेंगे, जो पूरे के पूरे होल एंजाइम जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं उस पूरे मैकेनिज्म को हम रेप्लिसोम के नाम से जानते हैं। ई कोलाई में एक ही रेप्लिसोम बनता है। ओके, तो इस तरीके से अपना काम करता है। तो इंटरेक्शन देखते हैं प्रोटीन का, द कनेक्शंस बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होलो एंजाइम आर नॉट द ओनली इंटरैक्ट दैट अकर बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल रेप्लिकेशन फॉर additional protein-protein interaction between replication for protein facilitate rapid replication for progression। okay, तो यहाँ पर जो replication यहाँ पर हो रहा है, जो replication fork बन रहा है, वो बस सिर्फ DNA homoenzyme काम नहीं कर रहा है, उसके साथ additional protein भी यहाँ पर काम कर रहा है, तभी जाके क्या कर रहा है, replication fork का progression हो रहा है। okay, the most important, क्योंकि देखिए जब भी replication होता है तो वहाँ पर एक ही protein काम नहीं करता, वहाँ पर DNA polymerase homoenzyme भी है, वहां पर हेलिकेज प्रोटीन भी है, आपका सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन भी है, उसके बाद आपका टोपोआइसोमरेज एंजाइम भी है, गायरेज प्रोटीन है, ओके, गायरेज एंजाइम है, तो ये सारे के सारे जो प्रोटीन होती है उन सारे का एक क्या क्या बनता है, इंट्रैक्शन बनता है, तभी जाके क्या करता है, रेप्लिकेशन फोर्क का प्रोग्रेशन होता है, और प्रोग्रेशन होता है तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस इज द इंट्रैक्शन बिटवीन द डीएनए हेलिकेज हेक्सामेरिक डीएनए बी प्रोटीन, जो हेलिकेज होता है वो हेक्सामेरिक डीएनए बी प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, एंड द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होलोएंजाइम, दिस इंटरेक्शन व्हिच इज मीडिएटेड बाय द टाउ सब यूनिट, टाउ सब यूनिट के साथ मीडिएटेड रहता है, टाउ सब यूनिट क्या है पहले बताया हूं, ऑफ द क्लैंप लोडर कंपोनेंट ऑफ द होलोएंजाइम होल्ड द हेलिकेज, जो क्लैंप लोडर है वो क्या करता है, हेलिकेज को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, एंड द डीएनए पॉलीमरेज होलोएंजाइम टुगेदर, और साथ ही साथ क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज जो होलो एंजाइम है उसको भी क्या कर सकता है, साथ में क्या करता है, होल्ड करने का काम करता है। ओके, तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सारे के सारे प्रोटीन मिलकर के यहाँ पर एक एसोसिएशन बनाता है, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर पे क्या करता है, काम करता है। इन एडिशन दिस एसोसिएशन स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ हेलिकेज बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ हेलिकेज मूवमेंट टेनफोल्ड, ये सारे के सारे जो एसोसिएशन हो रहा है ये क्या करता है, क्या स्टिमुलेट करता है, जो हेलिकेज की जो मूवमेंट है, ओके, जो हेलिकेज की जो मूवमेंट है वो टेनफोल्ड क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। थस द डीएनए हेलिकेज स्लो डाउन थस द डीएनए हेलिकेज स्लो डाउन इफ इट बिकम सेपरेट फ्रॉम द डीएनए पॉलीमरेज, और ये अब ये क्या बता रहा है, यदि ये सारे कोऑर्डिनेटेड मैनर पे काम कर रहे हैं तो डीएनए की जो हेलिकेज की जो मूवमेंट होगी वो टेनफोल्ड बढ़ जाएगा, लेकिन यदि किसी कारण से क्या होगा, किसी भी प्रोटीन का सेपरेशन कर दिया जाएगा तो इसका जो जो हेलिकेज की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। द कपलिंग ऑफ हेलिकेज एक्टिविटी टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड प्रिवेंट द हेलिकेज फ्रॉम रनिंग अवे, ओके, फ्रॉम द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होलोएंजाइम एंड थस सर्व्स टू कोऑर्डिनेटेड दिस टू की रेप्लिकेशन फॉर्क एंजाइम। ओके, अब यहां पर हेलिकेज एंजाइम की एक्टिविटी होगा, डीएनए पॉलीमरेज की भी एक्टिविटी होगा, ओके, एक डायरेक्शनल मैनर पे यहां पर क्या करेगा, पूरे के पूरे डीएनए होलोएंजाइम क्या करेगा, कोऑर्डिनेटेड मैनर पे काम करेगा। ओके, देख सकते हो इस डायग्राम में अच्छे से, अगर यहां पर हम बताए आप देख सकते हो यहाँ पर जो डायग्राम यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर डायग्राम ए में क्या दिखा रहा है, सारे के सारे प्रोटीन यहाँ पर बाइंड है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो क्लैंप लोडर भी बाइंड है, उसके बाद क्लैंप लोडर बाइंड है, क्लैंप प्रोटीन भी बाइंड है, टाउ सब यूनिट बाइंड है, उसके बाद हेलिकेज बाइंड है, कोर प्रोटीन बाइंड है, सभी प्रोटीन यहाँ पर आपस में एसोसिएशन है, तभी जाके क्या हो रहा है, डीएनए की प्रोग्रेशन हो रहा है। डीएनए हेलिकेज एसोसिएट विद द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होलोएंजाइम, ओके, कोई बात नहीं, हेलिकेज इसके साथ बाइंड है, इसके साथ आपको होलोएंजाइम के साथ बाइंड है, इनहेंस डीएनए रेप्लिकेशन एक्टिविटी, यहां पर क्या होगा, तो क्या होगा, डीएनए की एक्टिविटी क्या होगा, इनहेंस होगा। यदि डीएनए हेलिकेज नॉट एसोसिएट विद द पॉलीमरेज, यदि डीएनए हेलिकेज एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ एसोसिएट नहीं होगा तो क्या होगा, रिड्यूस डीएनए हेलिकेज एक्टिविटी, तो क्या होगा, हेलिकेज की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगा, और इस कंडीशन में डीएनए की प्रोग्रेशन
उतने अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा, यही बता रहे हैं यहाँ पर। तो इंटरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पर है, यदि एक भी इंटरेक्शन यहाँ से वीक हो गया है तो भी यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, यानी कि रेप्लिकेशन में कुछ ना कुछ यहाँ पर रेप्लिकेशन की जो रेट है उसमें फर्क पड़ने वाले है। ओके, तो इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन का। अ सेकंड इंपॉर्टेंस प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन द डीएनए हेलिकेज एंड प्राइमेज। सेकंड इंटरेक्शन किसके किसके बीच में है? हेलिकेज और प्राइमेज के बीच में। अनलाइक मोस्ट प्रोटीन दैट एक्ट द इक्वली रेप्लिकेशन फोर, प्राइमेज इज नॉट टाइटली एसोसिएटेड विद द रेप्लिकेशन फोर। ओके, जो प्राइमेज होता है वो कभी भी टाइटली एसोसिएट नहीं होता है, क्योंकि यदि देखिए एक तो लीडिंग स्टेट में एक ही प्राइमर बन रहा है और लीडिंग स्टेट में कंटिन्यूअस मैनर पे क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। तो प्राइमेज यदि टाइटली बाइंड रहेगा अगर लैगिंग स्टेट में, तो वो एक ही प्राइमर को बनाते रहेगा, बाकी प्राइमर तो बनेगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर और बाकी प्राइमर नहीं बनेगा तो लैगिंग स्टेट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, क्योंकि लैगिंग स्टेट में मल्टीपल क्या जरूरत पड़ती है, प्राइमर की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो प्राइमेज एंजाइम होता है वो एकदम क्या होता है, लूजली अटैच रहता है, लूजली एसोसिएट रहता है, ताकि जल्दी से जल्दी वहां से एक प्राइमर बनाया, फिर वहां से हटा, फिर दूसरा प्राइमर का फॉर्मेशन किया, फिर वो दूसरा हटा, फिर तीसरा। तो इस तरीके से वो यदि टाइटली बाइंड रहेगा तो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इंस्टेड एट एन इंटरवल ऑफ अबाउट वंस पर सेकेंड प्राइमेज एसोसिएट विद द हेलिकेज and SSB coated single stranded DNA and synthesize a new primer, although the interaction between the DNA helicase and primase is relatively big, this interaction strongly stimulate primase function above thousand fold. Okay, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यदि single stranded DNA protein उसके बाद primase उसके बाद helicase protein के बीच में यदि क्या होगा, यदि टाइटली एसोसिएट रहेगा, यानी कि जो इंटरेक्शन होगा यदि बहुत मतलब कोवेलेंटली रहेगा, तो जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो काम है या प्राइमेज का जो काम है वो क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। लेकिन यदि इंटरेक्शन क्या होगा, वीक होगा। ओके, यहाँ पर देखिए डीएनए हेलिकेज एंड प्राइमेज, डीएनए हेलिकेज और प्राइमेज के बीच में इंटरेक्शन क्या होगा, वीक होगा, तभी क्या होगा ये इंटरेक्शन स्ट्रांगली स्टिमुलेट करेगी। अगर वीक होगा तो क्या होगा, स्ट्रांगली क्या होगा, ये स्टिमुलेट करेगा प्राइमेज की फंक्शन को, ये 100 फोल्ड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर वो कोवेलेंटली होगा, अगर वो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा, तो ये क्या होगा, 1000 फोल्ड उसकी स्ट्रांग जो स्ट्रांगनेस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी स्ट्रांगनेस है, यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर एसोसिएशन है प्रोटीन प्रोटीन एसोसिएशन, वो क्या होगा, वीक होगा, ताकि जल्दी से जल्दी डीएनए का रेप्लिकेशन हो पाए। आफ्टर एन आरएनए प्राइमर is synthesized, the primase is released from the DNA helicase into solution. Okay, जब कभी भी यहाँ पर primase का काम हो जाएगा, यानी primer का formation बन जाएगा, तो जो हमारा जो helicase जो primase है वो क्या हो जाएगा, release हो जाएगा helicase protein से। Okay, ये तो हम diagram में देखे, आप देख सकते हो यहाँ पर, उससे पहले भी देखे हैं कि जब कभी भी यहाँ पर helicase enzyme क्या प्राइमेज एंजाइम का काम हो जाएगा, तो प्राइमेज एंजाइम का काम क्या है, प्राइमर का फॉर्मेशन करना, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, वो रिलीज हो जाएगा, और हेलिकेज से भी क्या हो जाएगा, वो रिलीज हो जाएगा। द रिलेटिवली वीक इंटरेक्शन बिटवीन द इक्वली प्राइमेज एंड डीएनए हेलिकेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग द लेंथ ऑफ ओपाजेनिक फ्रैगमेंट। और ये इसका बहुत एक मतलब ये पॉइंट जो है ना, बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर बताया है कि जो ओपाजेनिक फ्रैगमेंट बनता है, क्योंकि देखिए ओपाजेनिक फ्रैगमेंट का एक तो स्पेस ज्यादा घेर रहा है, तो यहाँ पर अगर इंटरेक्शन यदि यहाँ पर स्ट्रांग रहेगा तो क्या होगा, इन दो ओपाजा के फ्रैगमेंट अच्छे से नहीं बनेंगे, और ओपाजा के फ्रैगमेंट नहीं बनेंगे तो वहां पर डीएनए के सिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो ओपाजा के फ्रैगमेंट की जो लेंथ है, अगर उस लेंथ को जल्दी से जल्दी अगर क्या करना है, यहाँ पर डीएनए की फॉर्मेशन करना है, तो जो इंटरेक्शन है वो हमें वीक रखना ही होगा। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर वीक होना चाहिए, तभी क्या होगा, उसकी लेंथ इंक्रीज करेगा। अ टाइटर एसोसिएशन, देखिए यहाँ पर एक वीक इंटरेक्शन दिया है, तो वीक इंटरेक्शन की वजह से ये ओपाजेनिक फ्रैगमेंट बनेगा, और उसकी लेंथ भी क्या करेगा, जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगा। लेकिन यदि इंटरेक्शन क्या होगा, अ टाइटर एसोसिएशन बाउंड रिजल्ट इन मोर फ्रीक्वेंट प्राइमर सिंथेसिस ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड एंड देयरफॉर शॉर्टर ओपाजेनिक फ्रैगमेंट।
Similarly, the weaker interaction would result in longer opacity fragment. The combination of all of the proteins that function at the replication fork is referred to as the peroplasome. Okay, तो यदि tightly bound होगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, यदि tightly bound हो जाएगा तो lagging strand क्या होगा, यहाँ पर short रह जाएगा. Okay, तो यहाँ पर shorter opacity fragment बनेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर shorter opacity fragment मिलेगा, लेकिन primer की जो primer की जो requirement है वो बहुत ज्यादा है. ओके, तो यहाँ पर अगर ज्यादा टाइटली बाउंड रहेगा तो एक छोटा सा होगा जाके फ्रैगमेंट बनेगा और उससे पूरे के पूरे डीएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा. तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, वीक इंटरेक्शन होता है, ताकि जो ओका जाके फ्रैगमेंट का जो लेंथ है वो थोड़ा बढ़ जाए और वहां पर मल्टीपल प्राइमर की रिक्रूटमेंट हो जाए, और जब मल्टीपल प्राइमर की रिक्रूटमेंट हो जाएगा तो ओका जाके फ्रैगमेंट जल्दी से जल्दी अपना काम करेगा और वहां पर क्या होगा, पूरे के पूरे लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो जाएगा. ओके, तो ये जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन से हमें ये समझ में आता है कि जो भी इंटरेक्शन है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, हेलिकेज और प्राइमेज के बीच में जो इंटरेक्शन है, उसको डीएनए हेलिकेज और पॉलीमरेज के बीच में जो इंटरेक्शन है वो वीक होना चाहिए, ताकि जो डीएनए वो होलो एंजाइम है वो अपना काम कैसे कर सके. ओके, तो ये था कुछ प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन डीएनए के बारे में. तो ये आज के लेक्चर में इतना ही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में. तो हम देखे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम किस तरीके से होता है और किस तरीके से ये अपना काम एफिशिएंट तरीके से करता है. ओके, तो डीएनए का ये ओवरऑल ट्रॉम्बन मॉडल के थ्रू हम समझे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज का काम किस तरीके से होता है. ओके, तो ये था ओवरऑल डीएनए स्पेशलाइजेशन के बारे में. आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो आने वाले न्यू वीडियो होगा वो उसका डायरेक्ट जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे. ओके, थैंक यू गाइस.